कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 के 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है, 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं, तो क्या आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे, वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा है वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं, देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं पंडित नेहरू जी, आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिका और ओईसीडी जैसे देशों में अमेरिका
और ओईसीडी देशों में महंगाई 7% है, करीब करीब 7%। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है, हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं।